नमस्कार, लाइव इंडिया हर पल में आपका स्वागत है। मैं रील सम्राट। अगर बात करें पूरे देश में बारिश की, तो केरल से बात करते हैं। केरल में लैंडस्लाइड वायनाड। जिला कलेक्टर डीआर मेगाश्री ने जानकारी दी है कि जिले में भारी बारिश के मद्देनजर भूस्खलन संभावित क्षेत्रों और पिछले वर्षों में भूस्खलन का अनुभव करने वाले क्षेत्रों में लोगों को सतर्क रहना चाहिए। उन्होंने कहा है, वायनाड में भूस्खलन से मरने वालों की संख्या 167 हो गई है। इनमें से 96 लोगों की पहचान परिवार की कर ली गई है। 77 पुरुष और 67 महिलाएं हैं। इनमें 22 बच्चे शामिल हैं। बरामद एक शव के लिंग की अभी पहचान नहीं हो पाई है। वायनाड जिला कलेक्टर ने एडवाइजरी जारी की है और लोगों से भूस्खलन संभावित क्षेत्रों से बाहर जाने को कहा है। उधर हिमाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में बीती रात से भारी बारिश से तबाही हुई है। शिमला के डिप्टी कमिश्नर अनुपम कश्यप ने बताया कि कुल्लू, मंडी और रामपुर में 3 जगह बादल फटने से भारी नुकसान हुआ है। मंडी की चौहार घाटी में मूसलाधार बारिश के बाद पहाड़ी दरकने से एक मकान मलबे में समा गया। इससे 2 परिवारों के 6 से अधिक सदस्यों के लापता होने की सूचना है। वहीं एक शव बरामद हुआ है और 36 अन्य लोग लापता है। जिला प्रशासन और एनडीआरएफ की टीम मौके पर रवाना हुई। जानकारी के अनुसार दुर्गम क्षेत्र होने के कारण प्रशासन का पंचायत प्रतिनिधियों और टिक्कन उप तहसील के अधिकारियों से संपर्क नहीं हो पा रहा है। वहीं हिमाचल प्रदेश की शिमला जिले के रामपुर क्षेत्र के समेज खड इलाके में बादल फटने के बाद 19 लोग लापता है। आगे बढ़ेंगे। बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने आम आदमी पार्टी पर आरोप लगाते हुए कहा है कि दिल्ली में बारिश के दिनों में जगह जगह जल जमा हो जाता है। थोड़ी सी ही बारिश में पूरे शहर में जल भराव की स्थिति हो जाती है। दिल्ली के पूरे सीवर और ड्रेनेज सिस्टम को बदलने की जरूरत है। आपकी सरकार 9 सालों से दिल्ली में, उन्होंने कहा कि आपकी सरकार 9 सालों से दिल्ली में है। आम आदमी पार्टी की सरकार ने सीवर और ड्रेनेज को दुरुस्त करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। आपको इसकी जानकारी लेनी चाहिए। उन्होंने कहा है कि इसकी पूरी पुख्ता तरीके से जानकारी लेनी चाहिए आप पार्टी को, और सीवर और ड्रेनेज सिस्टम को ठीक करने के लिए एक सुव्यवस्थित योजना भी बनानी चाहिए। ये जिम्मेदारी दिल्ली में जो सरकार बनी है आम आदमी पार्टी की, उसकी है। पिछले 9 सालों से अधिक समय से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार काम कर रही है, और ये हम सब जानते हैं कि दिल्ली में पॉपुलेशन रोज बढ़ती है। क्या कदम उठाए आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार ने कि जिससे दिल्ली में जो सीवर व्यवस्था है और ड्रेनेज व्यवस्था है वो ठीक से दुरुस्त तरीके से काम करे? कोई भी कदम नहीं उठाया। आज थोड़ी सी बारिश होती है तो दिल्ली में जल भराव हो जाता है, अनेक प्रकार की दुर्घटनाएं होती हैं। अब जरूरत इस बात की है कि दिल्ली के पूरे सीवर और ड्रेनेज सिस्टम को पूरे तरीके से बदला जाए, और उसके लिए आम आदमी पार्टी को जिम्मेदारी लेनी चाहिए और एक सुगठित योजना बनाई जानी चाहिए जिसके अंतर्गत दिल्ली में सीवर और ड्रेनेज की व्यवस्था को दुरुस्त किया जा सके। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने वायनाड भूस्खलन पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि भूस्खलन में 200 लोगों की जान चली गई और 200 लोग लापता है। साथ ही 2 गांव नक्शे से भी गायब हो गए। यह बहुत दुखदायक खबर है। यह समय राजनीति का नहीं, उन्होंने कहा कि यह समय राजनीति का नहीं है, बल्कि लोग गंभीर संकट में हैं। हमें प्राथमिकता के आधार पर देखना होगा कि हम क्या कर सकते हैं, और अब समय जवाबदेही का है। Hope of rescuing some people still, because the truth is 200 lives have been lost, but there are still another 200 people who are missing. 2 villages have disappeared off the map. It's a very serious crisis. So I think we have to appreciate the value of trying to do this on a priority basis. See who you can save, and if you can't save, at least get their bodies out from this horrendous, horrendous catastrophe. Then you can look at the politics. As you know, the Home Minister said there was some warning. The State Government Chief Minister says the warning was not sufficiently serious. It was a green or orange alert and not a red alert. All of these things can be disputed later. Eventually, accountability is required and further preventive measures are required. But we can't sit here today when lives might still be saved and worry about the politics. That's why I don't want to get into the political debate. Yes, I have asked for it to be declared as a severe calamity, because under the MP Lads funds, any MP in India, not just from that area, can donate up to 1 crore for a natural calamity once the government so declares it. That's why I have asked for this to be done. I really hope the government will heed my request. We have not yet seen the text of the proposed new National Disaster Management Bill. Once we see it, we'll be able to respond.
सुप्रीम कोर्ट ने आज महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए कोटा के अंदर कोटा को मंजूरी दे दी है। सुप्रीम कोर्ट के 7 न्यायाधीशों की पीठ ने कहा है कि अब अनुसूचित जातियों का उप वर्गीकरण अनुसूचित जाति श्रेणियों के भीतर अधिक पिछड़े लोगों के लिए अलग से कोटा प्रदान करने के लिए स्वीकार है। कोर्ट ने कहा है कि अब राज्य सरकार पिछड़े वर्गों में भी अधिक जरूरतमंद को फायदा देने के लिए सब कैटेगरी बना सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश में यह भी स्पष्ट किया है कि अप वर्गीकरण की अनुमति देते समय राज्य किसी उप श्रेणी के लिए 100% आरक्षण निश्चित नहीं कर सकता है। साथ ही राज्य को उप श्रेणी के अपर्याप्त प्रतिनिधित्व के संबंध में अनुभवजन आंकड़ों के आधार पर अप वर्गीकरण को उचित ठहराना होगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मौसम बदलने के बाद प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि बादल फटने और भारी बारिश से जान माल का नुकसान हुआ है, साथ ही 3 लोगों की मृत्यु हो गई, पुलों को बड़ा नुकसान हुआ है। वहीं राहत और बचाव कार्य जारी है। साथ ही बताया कि आपदा शिविर में जो लोग हैं उन्हें किसी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए तेजी से काम किया जाएगा, हमारी कोशिश होगी। उन्होंने कहा कि हमारी कोशिश है कि जल्द से जल्द आपदा राहत कार्य किया जाए। वही केदारनाथ मार्ग पर 2 पुल कल की बात करें तो बह गए, जहां NDRF SDRF की मदद से फंसे हुए लोगों को निकाला जा रहा है। मुख्यमंत्री को यहां बादल फटने से और अतिवृष्टि होने से जानमाल की क्षति हुई है, 3 लोगों का दुखद यहां पर मृत्यु भी हुई है और यहाँ पर भवनों का और सड़क का पुलों का बड़ा नुकसान हुआ है। हमारा प्रयास है कि जल्दी से जल्दी एक तो इस क्षेत्र का विस्थापन किया जाए, जो भी मकान यहाँ खतरे की जद में आते हैं उनका आकलन हो गया है और कोशिश है कि हर संभव अब आगे जो है लोगों की जान माल की सुरक्षा की जाए, उसके लिए काम कर रहे हैं। और जो लोग हमारे यहाँ आपदा शिविरों में हैं उसमें वृद्ध लोग हैं, गर्भवती माताएं हैं, बच्चे हैं, विकलांग हैं, उनको किसी भी प्रकार की जो है कोई परेशानी न हो, दवाइयां हैं, खाद्य सामग्री है और सभी से कहा है कि जो भी लोग आपदा से प्रभावित हुए हैं उनको जो आपदा राहत है वो तुरंत तत्काल दी जाए और जनजीवन को सामान्य करना और जो नुकसान हुआ है, क्योंकि बड़ा नुकसान हुआ है, काफी नुकसान हुआ है, उसको पुनः जनजीवन सामान्य करने के लिए पुलों को दोबारा से जोड़ना, जो भूस्खलन की चपेट में रास्ते आ गए हैं उनको ठीक करना, भवन इत्यादि जहां पर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं उनका पुनर्वास इत्यादि, उस सब पर सभी का है और आगे दीर्घकालीन क्षेत्र पहाड़ी क्षेत्र लगातार उसी के लिए दीर्घकालीन व्यवस्था बना रहे हैं कि जो भी आकलन किया गया है, पहले जो आकलन बनाए गए हैं उसके अनुसार जो भी इस खतरे की जद में आने वाले बरसाती जो हमारे नदी हैं, नाले हैं, गाढ़ गधेरे हैं या जहां पर भूस्खलन हो सकता है, ऐसे स्थानों की पूरी जानकारी करके उन स्थानों से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर और जहां जरूरी है वहां पर विस्थापन या पुनर्वास। सर, चार धाम का मुख्य मोटर मार्ग है, सर वॉश आउट हो गया, पूरा चार धाम का यात्रा चलती है, तो हम लोगों का प्रयास है कि जल्दी से जल्दी इस रास्ते को फिर से जो है रिस्टोर किया जाए, फिर से जो है उसको जोड़ा जाए और तत्काल जो है आपदा राहत के जो काम है वो किए जाएं, जिससे कि चारधाम यात्रा भी हमारी सुचारू रूप से रहे। हाँ, ये जरूर है कि मौसम विभाग जिस प्रकार से अपनी चेतावनी देता है या पूर्वानुमान करता है उसके अनुसार ही हमने कहा है कि यात्रा को आगे संचालित किया जाए, क्योंकि लोगों की सुरक्षा भी हमारे लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता है कि सबके जान माल की सुरक्षा। उनको निकाला जा रहा है, जो लोग भी केदारनाथ मार्ग पर जहां पर 2 पुल हमारे कल बह गए थे, एक तो उन पुलों को जोड़ने के लिए तत्काल जिला एडमिनिस्ट्रेशन, आपदा प्रबंधन, SDRF, NDRF सब मौके पर पहुंच गए हैं और उन लोगों को निकाला जा रहा है, कुछ लोगों को हेली से भी जो है सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा। विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला के 9वें दिन कच्ची कांवरिया पथ से बाबाधाम मंदिर तक केसरिया रंग से रंगा गया। कांवरियों के द्वारा कांवर में महाकालेश्वर स्थित भोलेनाथ के मंदिर की आकृति और प्रतिमा आकर्षण का केंद्र बना रहा। कच्ची कांवरिया पथ में कलकत्ता के हुगली से आए रिसड़ा कांवरिया संघ के द्वारा 10 लोगों के जत्था के साथ लाए गए उज्जैन के महाकालेश्वर धाम
मंदिर के स्ट्रक्चर कच्ची कांवरिया पथ में शिव भक्तों को आकर्षित कर रही थी। इसी अवसर पर कच्ची कांवरिया पथ में कलकत्ता के अभिजीत बम ने बताया कि पिछले 2 सालों से ये यात्रा किया जा रहा है। पिछले साल तारकेश्वर धाम का कांवर लेके गए थे, इस बार उज्जैन के महाकालेश्वर का कांवर लेके जा रहे हैं। इस कांवर को बनाने में 20 दिन लग गए उन्होंने कहा, और इसे बनाने में 30,000 रुपये खर्च हुए हैं और वजन इसका बता दें 150 किलो का है। चीज है ये महाकालेश्वर का मंदिर है, हाँ। उनका भव्य रूप है, हाँ। वही हम लोग थीम के टाइप से लेके जा रहे हैं। कितने सालों से लेके जा रहे हैं आप? ये हम लोग 2 साल से लेके जा रहे हैं। इसके पहले हम लोग तारकेश्वर पे जाते थे, तारकेश्वर धाम होगा वहाँ पे हुगली में है, अच्छा, तारकेश्वर वहाँ पे जाते थे। तो अभी 2 सालों से यहाँ पे स्टार्ट किया ना, पिछले साल 18 फुट का कांवर लेके आए थे, तो इस बार सोचा थोड़ा अलग करने का, क्योंकि सब तो कुछ ना कुछ लेके आते ही हैं, तो हमने भी सोचा कलकत्ता से यार हम भी कुछ लेके चलते हैं। कितने महीना लगे थे इनको बनाने में? इसको बनाने में तकरीबन 20 दिन लगे हम लोग को। क्या खर्चे आप ले रहे होंगे इसका? तकरीबन अप्रॉक्स 30,000 लग गए। इसको बनाने में क्या क्या मतलब इस्तेमाल किए इसको? इसका बनाने में मेन आता है उसको थर्माकोल लगा इसको, क्योंकि ज़्यादा वेटेड वो संभलेगा नहीं, इसलिए उसको थर्माकोल का यूज़ किया गया। और भी बहुत सारे मटेरियल्स हैं। शिवलिंग है वो क्या चीज़ का शिवलिंग है? शिवलिंग तो ऐसे थर्माकोल है, ऊपर से पैरिस पेंट किया हुआ है ताकि वो थोड़ा स्ट्रक्चर वैसा बना रहे उसका। क्या वो उज्जैन का महाकाल का शिवलिंग है क्या? यस yes. अच्छा, क्या नाम हुआ? मेरा नाम अभिजीत वर्मा। सर कितने वजन है इनका? इनका वजन आपका अप्रॉक्स 140 to 150 है। अच्छा, जिसमें से आपका 70 किलो तो पानी जल होगा सर। आप लोग कितने की संख्या में जा रहे हैं? हम लोग 10 लोग हैं। कोई ग्रुप का नाम है आप लोग का? ग्रुप का नाम ईगल स्पोर्टिंग क्लब है, हमारा क्लब है वहाँ का, उसी को लेकर। पटना में नगर विकास विभाग के सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पर हो रहे कॉन्क्लेव से 19 मेयर ने बायकॉट कर दिया। सभी मेयर ने नगरपालिका संशोधन विधेयक 2024 का विरोध कर रहे थे। आपको बता दें उनका कहना था कि सरकार हमारी बात नहीं सुन रही है, इस विधेयक को जब तक सरकार वापस नहीं लेगी तब तक मेयर का विरोध जारी रहेगा। आपको बता दें कि जिस बैठक से मेयर ने बायकॉट किया है उसमें नगर विकास मंत्री और बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी दोनों कार्यक्रम में बैठे रहे। आप लोग की बात नहीं, सरकार आश्वासन से काम नहीं चलेगा। मौके मुख्यमंत्री से मुलाकात करने का कुछ आप लोग का चाहते हैं कि मुख्यमंत्री हस्तक्षेप करें? क्यों नहीं चाहेंगे, मुख्यमंत्री बिहार सूबे के मालिक हैं तो क्यों नहीं हस्तक्षेप करना चाहेंगे? हस्तक्षेप वो करें, कानून को वापस करें, हम लोग का अधिकार का अतिक्रमण किया जा रहा है, इसलिए विरोध। आपका नाम क्या है, कहाँ से मेयर है ये बता दीजिए? पूर्णिया, ठीक है। समस्या क्या हुई है? आज हम लोगों का मीटिंग मौर्य होटल में था, तो नगर विभाग की तरफ से बुलाया गया था, तो हम लोग मीटिंग में शामिल होने के लिए आए हैं। लेकिन जो बिहार नगर पालिका 2024 का विधेयक जो बजट पास हुआ है वो मेयर के रीत में सरासर गलत है, क्योंकि हम लोगों को अधिकारियों के अधीन कर दिया गया है। जो भी अब काम होंगे नगर निगम में अधिकारियों के द्वारा ही, मेयर का कोई पावर ही नहीं रह जाएगा, मतलब समझिए। तो हम लोग जो है जनता के द्वारा चुने हुए सीधे तौर पर, मगर अभी डिप्टी सीएम तो कह रहे थे कि आप लोगों का पावर सीज नहीं होगा, पावर बढ़ेगा। उन्होंने कहा है, बट ऐसा हुआ था, ये कानून उनको हर जो उन्होंने विधेयक लाया है उसको वापस लेना ही पड़ेगा, हर हाल में उनको वापस लेना। बहिष्कार करके जा रही है मैडम? जी जी, इस मीटिंग का हम सभी मेयर बहिष्कार करके जा रहे हैं। उधर लखनऊ में भारी बारिश के बीच गोमती नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत हुड़दंगी ने राहगीरों पर खूब पानी डाला है। हुड़दंगियों ने लोगों को पकड़ पकड़ कर पानी में डुबाया है। इस दौरान कुछ लड़कों ने महिलाओं से छेड़खानी भी की है। घटना का वीडियो वायरल हो गया। पूरे मामले को लेकर पुलिस ने संज्ञान लिया है और लाठीचार्ज करके वहां से हुड़दंगियों को पहले भगाया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर करीब 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। अब लखनऊ पुलिस कमिश्नर ने इस घटना में बड़ा एक्शन भी लिया है। पूर्वी जोन के DCP, ADCP, ACP, थाना प्रभारी, चौकी इंचार्ज सहित सभी को हटा दिया है और जिम्मेदार लोगों को लाइन हाजिर भी किया गया। झारखंड विधानसभा मानसून सत्र के दौरान जोरदार हंगामा हुआ।
विपक्षी विधायकों के तेवर काफी गर्म दिखे। सदन में विपक्षी विधायकों ने जोरदार धरना दिया। स्पीकर ने कार्य संचालन के नियमों का हवाला देते हुए 18 विधायकों को कार्यवाही से शुक्रवार दोपहर 2 बजे तक के लिए निलंबित कर दिया। और एक महत्वपूर्ण ज्वलंत मुद्दा इस पूरे झारखंड प्रदेश का, युवाओं से जुड़ा हुआ मुद्दा, यहाँ के बेरोजगारों से जुड़ा हुआ मुद्दा, यहाँ के ऐसे तमाम हजारों लाखों संविदा कर्मी, अनुबंध कर्मी, डाटा ऑपरेटर और आउटसोर्स के कंपनी के लोग, इन सब के मुद्दों को लेकर के जिनको इन्होंने सब्जी भाग दिखाया था, जिनके अच्छे दिन के इन्होंने कमिटमेंट किए थे, और सारे विषयों पर क्योंकि ये सरकार अब जाने वाली है, जिस सवाल के साथ ये सरकार बनी थी उस सवाल का जवाब जनता सुनना चाहती है। आखिरी समय में हम लोग चाहते हैं कि उस जवाब दे, और अगर आपके पास कोई जवाब नहीं है तो कान पकड़ के जनता से बात करें। हेमंत जी आए थे उस अंधेरे धूप अंधेरे में हम लोग से हालचाल पूछे और उन्होंने अपनी ही बात कही, हम लोगों ने तो अपनी बात उनके सामने रखी। रात के 2 बजे आप लोगों को निकाल दिया गया, कुटीगो में आप लोग सोए हुए बेल में थे, वहां से मार्शल आउट करके हम लोग को लॉबी में जाएगा, लॉबी में हम लोग सारे विधायक सब बैठे हुए थे, सोए हुए थे सब लोगों ने, बहुत लोगों की बहुत तरह की तकलीफें भी हैं उसके बाद भी लोग, लेकिन फिर हम लोगों को निकाल के सरकार ही है, दूसरा कौन है, कौन आएगा यहाँ करने के लिए, सरकार के सारे पुसारी इसे यहाँ मच्छर के साथ लोगों ने रात बिताया है, कोई नहीं सोया है, हम लोग भी कभी नहीं पूरी रात नहीं सोया है। तो आज भी आप लोगों का आंदोलन जारी है? हम लोग का ये हमसे चालू है, लगातार जारी है, इस सरकार से अंधे बहरी गूंगी सरकार से हम दौर जा रहे हैं। परेशानियां काफी थी, एक तो शौचालय को बंद कर दिया गया, पीने के पानी को रोक दिया गया, मच्छर थे, कोई सिक्योरिटी नहीं था, पूरी तरह से एक्सपीरियंसेस को बंद करके हम लोग बाहर निकाल दिया गया, जबकि हम शांतिपूर्ण तरीके से विधायक हैं, ठीक है आपने बेल से निकाल दिया बाहर, हम लोग लॉबी में बैठ सकते थे, लॉबी हम लोग, लेकिन इतना क्रूरता और इतना तानाशाही, मुझे नहीं लगता है कि इतना ज्यादा तानाशाही दिखाने का कोई, हम तो सिर्फ और सिर्फ आपके उन वायदों को जो आपने 2019 के पहले किया था हम उसको याद दिला रहे थे, हमने कोई भी लोकतांत्रिक परंपराओं का उल्लंघन नहीं किया था, हम लोगों ने मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया था, हम लोग किसी प्रकार के हिंसात्मक कार्रवाई का समर्थन नहीं किया था, हम तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ रुक करके उस सरकार का ध्यान अपने उन वायदों पर जो आपने किया था उस पर ध्यान आपको सुनाना चाहते हैं। डर तो हम लोग झारखंड के लोग, हमको डर किससे लगेगा, बिरसा मुंडा का हम लोग वंशज है, हम लोगों को डर नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि इस सरकार की जो मनस्थिति है, जो तानाशाही है, उसको लेकर एक चिंता जरूर हो कि झारखंड के आबो हवा में एक ऐसी सरकार है जो अपनी गलतियों को मानने के जगह उसको छिपाने के लिए लाठियां बरसाती है जनता के ऊपर और हम लोगों का बिजली और एसी काट करके बाहर निकाल देते हैं। समर्थन वहाँ पे युवा मोर्चा के लोग तो उन्हें उठा कर ले जाएगा। मैं तो कह रहा हूँ कि भाई जब आपके पास कोई जवाब नहीं होता है, जब आपके पास अपने गलतियां छुपाने का कोई रास्ता नहीं होता है, तो आप बल का प्रयोग करते हैं और वही बल वही तानाशाही का भी है। झारखंड मानसून सत्र के दौरान जो विरोध हुआ है बीजेपी नेताओं के द्वारा और जिस तरह से विरोध प्रदर्शन किया गया विधानसभा में, उसको लेकर रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि झारखंड के लोकतंत्र के लिए काला दिन उन्होंने कहा है और बीजेपी विधायक 5 साल में, उन्होंने कहा कि बीजेपी विधायक 5 साल में नौकरी और बेरोजगारी भत्ता देने के वादे पर सरकार से जवाब मांग रहे थे, वहीं बीजेपी नेताओं के साथ सही नहीं हुआ और उन्होंने कहा कि सरकार वादा खिलाफी करने वाली झूठी सरकार है, हेमंत सोरेन और कांग्रेस सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है, बहुत जल्द राज्य में बीजेपी की सरकार बनेगी। देखो झारखंड के लिए तो लोकतंत्र के लिए काला दिन था कल, अब जिस तरह माननीय विधायकगण जवाब मांग रहे थे, जवाब कि 5 साल हो गए आपने वादा किया था 5 लाख नौकरी देंगे हर वर्ष, बेरोजगारी भत्ता देंगे और फिर खटाखट 1 लाख रुपए भी देंगे, लेकिन जवाब नहीं आया। और उसके बाद जब विधायकगण जब मांग कर रहे थे और फिर धरने बैठे, आलम देखो कि जब विधायकगण विधानसभा के अंदर धरने में बैठे, रात में बिजली काट दी गई, रात में पानी काट दिया गया, न एयर कंडीशन, सब कुछ अंधेरे में गुप में लगा, किसी गुफे में बंद कर दिया गया, ये हालात पैदा कर दिए
आप देखो, अगर मुख्यमंत्री आवास का बिजली पानी काट दिया तो क्या होगा? यह सरकार वादा खिलाफी वाली सरकार, यह सरकार झूठी सरकार। अब हेमंत सोरेन और कांग्रेस की सरकार का काउंटडाउन शुरू हो गया है। इन्होंने 5 साल कुछ काम नहीं किया और आज जब सदन शुरू हुआ तो 17 विधायकों को एक कलम से निलंबित कर दिया गया। ये तानाशाही, झारखंड के अंदर कांग्रेस और जेएमएम की सरकार, कोई आंदोलन करता है उसके लाठी के बल पर दबा दिया जाता है, छात्रों पर लाठी चार्ज, पैरा शिक्षकों पर लाठी चार्ज, होमगार्डों पर लाठी चार्ज, लाठी के बल पर ये आवाज बंद कराना चाहते हैं। अब तो हद हो गई, अब तो बहुत जल्दी इस प्रदेश के अंदर, झारखंड के अंदर भाजपा के नेतृत्व में 2/3 बहुमत से सरकार बनने वाली है। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया के तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार।